इनकी बड़ी जिद थी कि मैं आपके बीच में आऊं और इनकी जिद ने आपके बीच में हाजिर करवा दिया है। मैं नज्म सुनाने चल रहा हूं और मैं इस यकीन के साथ सुनाने चल रहा हूं कि सभी कानून हर एक धर्म सारे दीन बोलेंगे, सभी कानून हर एक धर्म सारे दीन बोलेंगे, मेरी आवाज के हक में सभी गमगीन बोलेंगे। मुझे इंसाफ की इस जंग में पूरा भरोसा है, अगर सच बात बोलूंगा तो सब आमीन बोलेंगे। मैं जानता हूं कि आप बड़े जिंदा दिल लोग हैं, आप बड़े बुजुर्गों की मुकद्दस सरजमीन के लोग हैं, आपने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान को वक्त वक्त पर नई दिशा और दशा दी है, ताकत दी है। मैं उस सरजमीन पे खड़ा होकर के पहले चार मिसरे पढ़ता हूँ साहब, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, वो सुनाने की कोशिश करता हूं। कि मुझसे मेरे होने की, हाँ तो सुनाई तो रहा हूं भाई शेर, अच्छा भाई बाद में आप इनको बुला लीजिए, ये तो बिल्कुल ऐसे आदेश दे रहे हैं जैसे अमित शाह जी आदेश देते हैं कि मैं ये करूंगा तो करूंगा। वही कह रहे हैं उन्हें एक शेर सुनाना है और मुझे अच्छा लग रहा है कि एक आदमी के अंदर शायर निकल आया उसके अंदर का, अलहम्दुलिल्लाह औरंगाबाद और कदम कदम इशारे में बिठा लेते हैं। मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, मेरी सांसों में चलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। कितना खूबसूरत मंच है, कितना खूबसूरत वक्त है, गणेश उत्सव मनाया जा रहा है पूरे महाराष्ट्र में, गणपति का त्योहार चल रहा है, इधर आप ने अभी मुहर्रम का मातम अपने सीने से लगा करके, उसका गम अपने सीने से लगा करके रखा हुआ है। ये जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है उसमें इन दिनों जो लोग कभी ऐसा नहीं होगा, दोनों तरफ से सर्टिफिकेट बढ़ते हैं, अगर आपने मोदी को वोट नहीं दिया तो आप हिंदू नहीं, और आपने इधर वोट नहीं दिया तो काफिर का फतवा तो ले ही लीजिए, दोनों तरह का काम चल रहा है इस मुल्क में। मैं चार चीजें बोलता हूँ साहब, कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सदा नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे को समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। एक झटके में 19 लाख लोग हिंदुस्तान से बाहर कर दिए गए साहब, और अब कहा जा रहा है कि नहीं उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, अभी एक मौका और दिया जाएगा। दरअसल ये जो हुकूमत है वो प्रोपेगंडा करने वाली हुकूमत है, इसे पता है कि मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कौन सी बात रख दी जाए कि लोग उसी में उलझ करके रह जाएं। ये बहुत शातिर लोग हैं, बड़े शातिर दुश्मनों से पाला पड़ा है, और आपको वक्त की नब्ज पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो वक्त की नब्ज नहीं पकड़ पाते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था वो वक्त की नब्ज नहीं पकड़ पाए, तो आज उनके कपड़े उनके राजाओं के कपड़े पहनने वाले पहनते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि वक्त से निपटना है तो कैसे निपटा जाए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मॉब लिंचिंग को लेकर के ताई ने भी बहुत अच्छी बात कही, उन्हें जब जब सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि मुल्क में सेकुलरिज्म का जो असल ताना बाना है वो अगर किसी ने बचा के रखा है, और मुझे तो खुशी होती है। ताई ताई मराठी में कहा जाता है, हम लोग तो दीदी कहा करते हैं, मैं तो जिस जगह से आता हूँ वो बड़ी गंगा जमुनी तहजीब वाला इलाका है, मैं तो बस एक बात कहता हूँ कि जब मैं आपको अपने पिता की विरासत संभालते हुए देखता हूँ
तो मुझे लगता है कि बेटियां जो हैं वो दरअसल अगर अपनी पे आ जाए तो वो किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकती हैं। और हमारा तो अकीदा है कि हमारे नबी का तो खानदान बेटियों से चला है साहब, हम तो वो मानने वाले लोग हैं। तो आप अपने पिता की विरासत को जिस तरह संभाल रही हैं उसके लिए आपको सलाम। एक नज्म सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, चार पांच मिनट में ताई को छोड़ दूंगा, सिर्फ एक नज्म सुना करके आपसे विदा आपको विदा दूंगा, फिर मैं आपको सुनाता रहूंगा। इधर भी ठीक ठाक तादाद में लोग इकट्ठा है, बहुत बेहतरीन तरीके से सुन रहे लोगों के बीच में। सरकार ने नोटबंदी कर दी, आज तक कुछ समझ में नहीं आएगा उसका परिणाम क्या निकला। चूहा मारने के लिए खड़ी फसल में आग लगा दी, फसल जल के राख हो गई, चूहा बिल में घुस गया, परिणाम कुछ नहीं निकला। ये सरकार दरअसल किस तरह से चीजों को चलाना चाहती है, ऐसे में इस हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी जहां भी है। मैं तो यहाँ तमाम पत्रकार साथी खड़े, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, पिछले दो हफ्ते में कम से कम 15 पत्रकारों के खिलाफ FIR हुए और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जो भी सच बोलेगा वो या तो मार दिया जाएगा या तो जेल भेज दिया जाएगा। एक सूत्री कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन मैं शायर हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मैं कल को सुनाता हूं आपको साहब, ये सच बात की पैरों का ही है, सौ झूठ पे एक सच भारी है, हर काम में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना, मैं शायर हूँ एक शायर को, सरकारों से क्या डरना, क्या कैसी बीन है। सांप सारे छूटते हैं जाने कैसी बीन है, इनका ना ईमान कोई इनका कोई दीन है, जो भी इसमें घुसता है धुल के ही निकलता है, पार्टी है भाजपा या वॉशिंग मशीन है, तो समझ में नहीं आता। तो मैं चार कुछ बोलता हूँ साहब, बहुत अच्छा सुन रहे, बस थोड़ा सा मुझे और लगे कि बारिश से आप डर नहीं रहे, आप हाथ बांध के खड़े हैं, हाथ बांधने से काम नहीं चलेगा। टाइम को भी लगे तो औरंगाबाद वाले बड़े जिंदा दिन होगा, मेरी माए मैंने बैठी है, मैं इनसे भी दुआ की गुजारिश करता हूँ, आप उसे दुआ देते हैं, उसे मनमोहन सिंह जी बनने में देर नहीं लगता, थोड़ा सा आपको अच्छी भी दुआएं मिले, बहुत अच्छे मूड में हैं आप। मैं शायर हूँ एक शायर को, सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, एहसास की शिद्दत मधम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है, और औरंगाबाद वालों इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, तुम सूरज हो और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। मेरा ईमान बोलता है मित्रों में कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह तुम्हारा हारेगा, आमीन कहो आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, जब चंद्र पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को, सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। ताई बिल्कुल जाना है आपको, मैं 2 मिनट, अच्छा ताई को भी, ताई की ट्रेन है, वैसे ट्रेन तो लेट ही चल रही है देश में, जरा पता करवा लेंगे, लेट तो नहीं है, अगर लेट ना हो तो ताई को जाने दिया जाए, वरना ताई की ट्रेन है उन्हें जाने दिया जाए।
फिर मैं आपको मजबूर सुनाता हूं। बहुत बड़ी तादाद में मैं तो आ रहा था